वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम जो लर्न करने वाले हैं दैट इज आवर मेथड्स दैट वी कैन इंप्लीमेंट ऑन जावास्क्रिप्ट एरेज। जावास्क्रिप्ट एरेज के ऊपर हम जो मेथड इंप्लीमेंट करने वाले हैं या जो मेथड हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं या जो फंक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए, उनके बारे में अब हम थोड़ी सी जो हवा ना हो वो लेते हैं। तो चलिए जी, चलते हैं अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे जाने के बाद आज का जो लेसन है दैट इज जावास्क्रिप्ट एरेज मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक मेथड है कन्वर्ट एनी एरे टू स्ट्रिंग। तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो एरे होती है जिसके अंदर आप अल्फाबेटिकल वैल्यूज ऐड करते हैं वो स्ट्रिंग में ही काउंट होती है। वो एक से पहले मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी वैल्यू जो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट उसको इन स्ट्रिंग में ही काउंट करेगा, ठीक है। बट आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर कोई एरे आ रही है और आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप टू स्ट्रिंग का फंक्शन जो है वो यूज करेंगे। लेट मी शो यू प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं। हम इस एरे को यहाँ से रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद हम एक यहाँ पे पैराग्राफ जो है वो बनाते हैं जिसमें हम शो करवाएंगे, ठीक है। और इसकी जो आईडी है वो हम फॉर एग्जाम्पल डेमो ले लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नेम क्या है हमारे पास डेम, ठीक है। डेमो आईडी से जाके डाटा लो और उसके बाद क्या करो डॉट इनर एचटीएमएल और दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, आपका जो एरे है कॉट्स डॉट टू स्ट्रिंग। तो आप इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। टू स्ट्रिंग एक आपका फंक्शन है, यू नो वेरी वेल फंक्शन के लिए आपको ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं। अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अपने ब्राउजर पे और ब्राउजर पे जाके आप देखेंगे कि आपकी जो आउटपुट है वो क्या आई है। तो यू कैन सी होंडा सिटी, होंडा स्विक, वैगनार और सुजुकी ऑटो, ये आपको आउटपुट जो है वो मिल रही है। इसके अलावा ये जो आउटपुट है ये किस में है, स्ट्रिंग में ही है। स्ट्रिंग में इसकी वैल्यू चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिर्फ इसकी टाइप ऑफ चेक करेंगे जो मैं इससे इनसे पहले लेसन में आपको बता चुका हूँ। तो आपको मिल जाएगी आपकी जो टाइप है इसकी। इसके अलावा आपके पास एक ज्वाइन मेथड है, ज्वाइन मेथड भी एलिमेंट्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप जो भी है ज्वाइन करवा दें और इसके बाद आप साथ में स्टेरिक लगा देंगे तो इट मीन्स आपकी जितनी भी स्ट्रिंग है, जो भी आपकी स्ट्रिंग एरे है उसके अंदर साथ में आपको ये स्टेरिक साइन जो है वो नजर आता जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज जो हम लर्न करने वाले हैं दैट इज पॉप एंड पुश मेथड। पॉप और पुश मेथड बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं हमारे एरेज के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि आपकी एरे के लास्ट से कोई एलिमेंट आप रिमूव करना चाहते हैं, कोई वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं, तो आप पॉप फंक्शन यूज करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, अभी हमारे पास एरे में जो डाटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारे पास ये ऑल्ट तक आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कॉट्स डॉट पॉप, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन आपकी जो एरे है लास्ट पे जो सुजुकी एलिमेंट है यानी एरे के लास्ट पे जो भी एलिमेंट होगा ये उसको रिमूव कर देगा। चलिए चलते हैं अपने ब्राउजर पे और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास तीन जो कार्स हैं उनके नेम है हमारे पास सुजुकी ऑल्टो जो है वो अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली अगर आप अगेन इसको करते हैं कार्स डॉट पॉप, अगेन आपका एक और एलिमेंट जो है वो, एक और जो वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी। यू कैन सी इसी तरह आपके पास पॉप के बाद एक आपके पास मेथड आता है जिसको आप पुश मेथड कहते हैं। पुश मेथड आप तब यूज करते हैं जब आपने कोई भी आपकी एरे है उसके एंड पे लास्ट पे कोई नया एलिमेंट ऐड करना होता है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, फॉर एग्जांपल आप एरे का नेम लिखेंगे, हमारे केस में हमारी एरे का नेम है कॉर्स डॉट पुश, पुश फंक्शन यूज करेंगे। इसके अंदर आप जो भी वैल्यू यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास वैगनर वैल्यू भी है, ओला सिटी भी है वैगनर, और मैं यहाँ पे जो है वो ऑडी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। मैं इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज भी पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बी एम डब्ल्यू ऐड कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं एक और जो है वो गाड़ी का नेम ऐड कर देता हूँ, मेरे पास मैकलारन, मेरे पास फॉर एग्जांपल एक गाड़ी, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप जाए अपने ब्राउजर पे तो देखिए आपके पास ऑल्टो, ऑडी, बी एम डब्ल्यू और मैकलारन जो वैल्यूज हैं ये भी आपकी एरे के लास्ट पे ऐड हो चुकी है। तो इस तरह आप अपनी एरे के लास्ट पे अगर कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, कोई एंट्री ऐड करना चाहते हैं, तो आप पुश मेथड को यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास शिफ्ट मेथड है।
शिफ्ट मेथड में हमारे पास दो चीजें होती हैं, शिफ्ट और अनशिफ्ट। शिफ्ट मेथड में आप क्या करते हैं, शिफ्ट मेथड जो है या शिफ्ट फंक्शन जो है आपकी एरे के स्टार्ट से, ठीक है, एक एलिमेंट को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो लेट मी शो यू, मैं बताता हूँ आपको हम कैसे करेंगे। तो मेरे केस में हम स्टार्ट में हमारे पास होंडा सिटी है, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कार्ड्स डॉट शिफ्ट, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब देखिए होंडा सिटी हमारे पास से गायब हो जाएगी। तो देखिए होंडा सिटी कब हमारे पास आ रहा है, इट मींस दैट कि अगर आपने एरे के लास्ट से कोई डाटा रिमूव करना है तो आप उसके लिए पॉप मेथड यूज करेंगे। अगर आपने एरे के लास्ट पे कोई डाटा ऐड करना है तो उसके लिए आप पुश मेथड यूज करेंगे। सिमिलरली अगर आपने एरे के स्टार्ट से कोई डाटा रिमूव करना है तो आप उसके लिए शिफ्ट मेथड यूज करेंगे। और अगर आपने एरे के स्टार्ट पे कोई डाटा ऐड करना है तो उसके लिए आप अनशिफ्ट मेथड जो है वो यूज करेंगे। तो लेट मी शो यू, मैं यहाँ पे अनशिफ्ट लिखता हूँ, उसके बाद आप क्या करेंगे वैल्यूज दे देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे न्यू कार्ड इज कमिंग सून। तो ये डाटा मैं ऐड करना चाह रहा हूँ मेरा जो कार की एरे है उसके बिगनिंग पे। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके हम जाएंगे ब्राउजर पे। तो यू कैन सी न्यू कार इज कमिंग सून आपको शो हो रहा है आपके ब्राउजर पे। तो सिमिलरली हम डिस्कस कर चुके हैं शिफ्ट को अनशिफ्ट को, अब इनको एलिमेंट्स को चेंज कैसे करना कर सकते हैं। इससे पहले लेसन में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप किस तरह से आपके जो एलिमेंट्स हैं इनको चेंज करेंगे। बट अगेन आप देख सकते हैं आप इसको यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे केस में मैं इन सबको अगर रिमूव करता हूँ तो अभी मेरे पास होंडा सिटी जो है ये टॉप पे है, या फिर सेकेंड नंबर में पास होंडा स्विक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट कार्ड्स डॉट कार्ड्स और उसके बाद में उसका इंडेक्स नंबर मुझे चाहिए। इंडेक्स वन पे मेरे पास होंडा स्विक है, इंडेक्स वन पे मैं क्या करूंगा नई जो वैल्यू है मैं देना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं वैल्यू ऑडी पास करता हूँ। मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद आप जाएंगे ब्राउजर पे, तो देखिए आपके पास होंडा स्विक की जगह जो ऑडी वैल्यू है वो आपको ब्राउजर पे शो हो रही है। ठीक है जी, तो डियर स्टूडेंट्स ये मेथड है आपके पास किसी भी एरे के एलिमेंट्स को चेंज करने का। अगर आप एरे की लेंथ आप मेजर करना चाह रहे हैं कि कितनी लेंथ है, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ उसकी जो लेंथ है एरे है उसके आगे लेंथ लगा देंगे, लेंथ का कीवर्ड लगा देंगे। इन माय केस मैं आपको दिखाता हूँ कार्ड्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल न्यू लेंथ दैट इज इक्वल टू कार्ड्स डॉट लेंथ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब जो कंसोल लॉग में है चले, तो मैं अब इसको कंसोल लॉग पे आपको शो करवाता हूँ। ठीक है, तो लॉग में मैं शो करवाता हूँ न्यू लेंथ। तो हम ये इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप जाएंगे ब्राउजर पे यहाँ पे। अब देखिए आपके पास चार फोर लेंथ आपको शो हो रही है, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 क्यों शो हो रही है, देखिए आपके पास 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास 4 है। मैं इसको वंस अगेन सेव करता हूँ, फिर से चेक करते हैं व्हाई वी आर रिसीविंग टू मच वैल्यूज। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये 4 वैल्यू, जी 4 वैल्यूज का मतलब है आपको 5 जो इंडेक्सेज हैं वो मिलेंगे। 0 इंडेक्स पे आपके पास होंडा सिटी है, होंडा स्विक 1 इंडेक्स पे है, वैगनर 2 पे है, नंबर 3 पे आपकी सुजुकी ऑल्टो है, बट वी आर गेटिंग 4 इंडेक्सेस। जी तो इसमें जस्ट आपको वही वैल्यूज शो करवाएगा जो आपके पास जितनी लेंथ आपकी एरे की है। तो इन हमारे केस में 1 2 3 और 4, तो 4 ही है वैल्यू, वो काउंटिंग में हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। तो इट मींस दैट कि आप लेंथ फंक्शन को यूज करके अपनी जो आपके एरे के अंदर जो जो भी लेंथ है जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कंकैटिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग योर कंकैटिनेट फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास ये एरे है, मैं इस एरे को डिलीट करता हूँ, न्यू कार्ड्स की मैं एरे बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा न्यू कार्ड्स में लिखता हूँ बी एम डब्ल्यू, उसके बाद मैं लिखूंगा कोई भी और नेम। फॉर एग्जाम्पल
सुजुकी, जस्ट ओनली सुजुकी लिख देते हैं। और हमने एंगल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस तो डाली नहीं है, वो भी आप जरूर डालेंगे। कर्ली ब्रेसेस जो है आपकी ब्रैकेट एरे को रिप्रेजेंट करती है। मैंने इसको सेव किया। अब सेव करने के बाद अब हम इनको कंकैटिनेट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करें? हम एक और वेरिएबल लेंगे ऑल डाटा के नेम से, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर आप कर सकते हैं कार्ड्स डॉट आपकी पहली एरे, और उसके साथ आप कंकैट का जो फंक्शन है वो यूज करेंगे, और इसके अंदर आप न्यू कार्ड जो है वो पास कर देंगे वैल्यू। अब आप किसको शो करवाना चाहते हैं? अब आप हम शो करवाएंगे ऑल डाटा को, ठीक है? तो मैं यहाँ पे शो करवाता हूँ ऑल डाटा। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाते हैं, तो लेट्स सी। अब आप देखें आपके पास होंडा स्विफ्ट कुछ जो नई दो चीजें हैं, बीएमडब्ल्यू और सुजुकी, वो भी आपकी एरे के अंदर ऐड हो चुकी है। सिमिलरली अगर आप स्लाइसिंग की बात करें, स्प्लाइसिंग की बात करें, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शंस हैं। जो स्प्लाइस मेथड है, इसमें आप अपनी एरे को डिफरेंट मेथड से मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक फर्स्ट वैल्यू होती है। फर्स्ट वैल्यू में आप बताते हैं कि आपने अगर कोई चीज ऐड करनी है या डिलीट करनी है, तो किस इंडेक्स से उसको ऐड या डिलीट करना चाह रहे हैं। सेकंड जो आपका पैरामीटर है, ये बताता है कि आप कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना चाह रहे हैं। थर्ड पैरामीटर में आप वो चीजें बताते हैं जो आप ऐड करना चाहते हैं। चलिए जी डेमो लेते हैं इसका। हम इन दोनों को डिलीट करते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल न्यू कार्ड्स दैट इज इक्वल टू कार्ड्स डॉट स्लाइस। स्लाइस कार डॉट स्लाइस में आप चार वैल्यूज हम पढ़ के यहाँ दे सकते हैं। आप यहाँ पे सॉरी स्प्लाइस मेथड में आप यहाँ पे एक जो फर्स्ट पैरामीटर है, ये हमें इंडिकेट करता है कि आप कहाँ से डाटा जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको स्प्लाइस करता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं इसको कहता हूँ जी मेरे पास जीरो इंडेक्स पे ये है, तो वन इंडेक्स से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने इसको वन वैल्यू दे दी। उसके बाद ये आपने डिलीट क्या करना है, कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना है। मैं कहता हूँ ये और ये दोनों डिलीट हो जाए, तो मैं दो जो एलिमेंट्स हैं वो डिलीट कर देता हूँ। थर्ड आपने वैल्यू देनी है, आप कितने एलिमेंट, कौन कौन सी वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं। तो मैं लिखता हूँ बी एम डब्ल्यू, उसके बाद मैं लिखूंगा एक और वैल्यू, मैं लिख देता हूँ हाँ चलिए जी ऑडी लिख देते हैं हम यहाँ पे ऑडी। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो शो करवाने वाले हैं, हम न्यू कार्ड शो करवाने वाले, ठीक है, अपने पेज के ऊपर। इसको सेव किया। सेव करने के बाद जाएंगे ब्राउज़र पे, तो देखिए आपके पास होंडा स्विक और उसके बाद वैगनार, ठीक है। तो आपके पास जो ये जो चीजें हैं, होंडा स्विक और वैगनार आपके पास आई है, ठीक है। उसने क्या किया, वन इंडेक्स से स्टार्ट किया और टू इंडेक्स तक जो जो चीजें उसको मिली उसने डिलीट कर दी। इस टू इंडेक्स से पहले पहले ये डिलीट करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो चीजें ऐड की, ये इसने हमारी ऐड नहीं की। लेट मी चेक, स्प्लाइस फर्स्ट वैल्यू हमारी चीजों की है, दूसरी हम डिलीट अगर करना चाहते हैं तो उनकी है, थर्ड वन हम क्या करेंगे एडिट करेंगे, ठीक है। तो हम अगर डिलीट कुछ भी नहीं करते, लेट्स सी देन क्या होता है। मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करते हैं, तो हमें कुछ भी शॉप नहीं हो रहा। बाय लेट मी चेक न्यू कार्ड्स, तो हमारा जो डाटा है वो भी सही है। मैं इसको अगेन सेव करता हूँ, अगेन चेक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी जो है वो शॉप नहीं हो रहा। लेट मी चेक बाय। जी हम अपना जो कंटेंट है उसके अंदर देखते हैं हमसे कोई मिस्टेक हो रही है। तो वंस अगेन ट्राई करते हैं। अगर हम यहाँ पे ही इसको ऐड करते हैं कॉर्ड्स डॉट स्प्लाइस, और इसके अंदर हम करते हैं जी वैल्यू पास, हम कहते हैं
इंडेक्स नंबर वन से स्टार्ट करो, डिलीट कुछ भी नहीं करना, जीरो डिलीट करो आप। उसके बाद आप वैल्यू सिर्फ एक ऐड कर दो, बी एम डब्ल्यू, और यहाँ पे हम जो करेंगे दैट इज कॉर्ड्स। सेव करता हूँ मैं इसको, चलता हूँ ब्राउज़र पे, तो सी, तो आप देख सकते हैं जी इस तरह ये काम कर रहा है। काम तो इसको वैसे भी करना चाहिए, बट सम टाइम आपका जो ब्राउज़र है ये भी इश्यू कर जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने जीरो से स्टार्ट किया, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया, जीरो पे ये था, फर्स्ट पे ये था, डिलीट मैंने बोला जी कुछ नहीं करना। अगर मैं इसको कहता हूँ जी दो तीन एलिमेंट डिलीट कर दो, तो जीरो के बाद ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तो ये मैं सुजुकी ऑल्टो बी एम डब्ल्यू और होंडा सिटी शो करवाएगा। लेट्स सी, मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके ब्राउज़र पे जाते हैं तो देखिए होंडा सिटी और बी एम डब्ल्यू, ठीक है। और एक इसने कहाँ कहाँ से तीन ये हमें इसने दिया है, तो उसने इंडेक्स नंबर टू भी कट कर दिया है, इंडेक्स नंबर थ्री भी कट कर दिया है, और हमें इसने सुजुकी ऑल्टो भी कट कर दिया, और इसने हमें सिर्फ बी एम डब्ल्यू एड करके दे दिया। यानी तीन वैल्यूज, ये देखें पहला जो वैल्यू है ये क्या है, किस पोजिशन से आप स्टेप लेना चाह रहे हैं, कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना चाह रहे हैं। अगर आप दो करते हैं तो फिर हमारे पास ये सिर्फ वैगनर और ये होंडा स्विफ्ट के डिलीट होंगे। सेव करते हैं, सेव करके जाएंगे ब्राउज़र पे, तो देखें सुजुकी ऑल्टो और बी एम डब्ल्यू तीन हमारे पास आ गए। ये तो ये जो आपके पास सेकेंड पैरामीटर है ये है आप कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड में आप क्या कर सकते हैं, आप आपके जो एरे है उसके छोटे छोटे पीसेस बना सकते हैं, उस एरे को आप उसके अंदर जो आप कह सकते हैं डिफरेंट आपकी मर्जी के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप गेट कर सकते हैं और न्यू एरे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, सही है। तो ये जो आपका स्लाइस मेथड है इसको आप खुद रीड आउट करें और इसकी प्रैक्टिस करें, ये आपका होम टास्क है। तो चलिए मिलते हैं जी अगले लेसन में, मुझे इजाज़त दें।